So hello dear aspirants, welcome back to the channel. I hope you all are doing great, superb and awesome. So today we are going to revise section number 115 of the Companies Act 2013. ठीक है? Last previous कुछ classes पहले हम लोगों ने पढ़ा था section number 111, that is 111 of the Companies Act 2013, जिसमें हमने पढ़ा था circulation of members resolution. ठीक है? Section number 111 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? Section number 111 की अगर मैं आपको याद दिलाऊं, तो section number 111 में हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ जो छोटे शेयर होल्डर्स होते हैं वो अगर अपनी मर्जी का कोई भी रेजोल्यूशन या फिर कोई भी स्टेटमेंट कंपनी के एजे में पास कराना चाहते हैं तो वो करा सकते हैं, प्रोवाइडेड उन्हें कुछ दिनों पहले नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को. ठीक है? छोटे शेयर होल्डर्स के पास भी राइट होता था. याद आ रही ना आपको एक कहानी, ऐसे करके कुछ कहानी हम लोगों ने पढ़ी थी, दैट जो बड़े मेंबर्स होते हैं जिनके पास 52% ऑफ शेयर्स हैं, उनको तो सारा राइट होता है, वोटिंग पावर सारी कंपनी में, डिसीजन भी उनके हिसाब से होते हैं. लेकिन जो छोटे शेयर होल्डर्स हैं, जो रिटेल शेयर होल्डर्स हैं, जैसे कि ये सारे छोटे छोटे शेयर होल्डर्स, इनके पास कोई राइट नहीं होता है, इनके पास बहुत कम टोटल वोटिंग पावर होती है. तो इनको अगर अपनी मर्जी का कोई रेजोल्यूशन पास कराना है तो वो कैसे पास कराएंगे? तो सेक्शन नंबर 111 ने छोटे शेयर होल्डर्स को पावर दी थी कि अगर आपको कोई भी आपकी मर्जी का रेजोल्यूशन पास कराना है या स्टेटमेंट पास कराना है तो आप कंपनी को नोटिस दे सकते हैं, कुछ कुछ स्पेसिफिक रिक्विजिशनिस्ट कंपनी को नोटिस दे सकते हैं और कंपनी फिर नोटिस में उस रेजोल्यूशन या स्टेटमेंट को ऐड करके शेयर होल्डर्स को दे देगी, बाकी शेयर होल्डर्स को, और फिर उस रेजोल्यूशन या स्टेटमेंट को मीटिंग में डिस्कस किया जा सकता है. अच्छा, इसी से रिलेटेड है आपका सेक्शन नंबर 115. सेक्शन नंबर 115 क्या कहता है, चलिए वो देखते हैं. ठीक है? अब सेक्शन नंबर 115 की हेडिंग है रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस. कुछ ऐसे रेजोल्यूशंस हैं जिनको अगर आपको एजे में पास कराना है तो उसकी स्पेशल नोटिस आपको कंपनी को पहले से देनी पड़ेगी. ठीक है? कुछ ऐसे रेजोल्यूशंस होते हैं, कुछ रेजोल्यूशंस के अभी मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगी आगे चल के. ठीक है? बस आप लोग ये समझ लो कि रेजोल्यूशंस कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे रेजोल्यूशंस होते हैं जिनको अगर आपको एजे में पास कराना है तो उसका स्पेशल नोटिस कंपनी को देना जरूरी है, अदरवाइज वो रेजोल्यूशन एजे में पास नहीं हो सकते हैं. माइंड बाय वर्ड्स पास नहीं हो सकते हैं जब तक आप स्पेशल नोटिस कंपनी को नहीं दे देते हैं. ठीक है? अच्छा, ये रेजोल्यूशंस पास कराने के लिए कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स, कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टोटल वोटिंग पावर्स आपके पास यानी कि मेंबर्स के पास होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप कंपनी को नोटिस ही नहीं दे सकते हैं ऐसे रेजोल्यूशंस को पास कराने के लिए. मैं अगर चाहती हूँ कुछ नंबर ऑफ स्पेसिफिक रेजोल्यूशंस कंपनी में पास कराना है तो मेरे पास इतनी रिक्वायर्ड वोटिंग पावर होनी चाहिए तभी मैं कंपनी को स्पेशल नोटिस दे सकती हूँ. ठीक है? सो देखिए, एक चार्ट बना हुआ है, आप लोग इस चार्ट में देखिए, ये कंपनी है. ठीक है? दिस इज एक्साइज़ लिमिटेड, एक कंपनी है. कुछ रिक्विजिशनिस्ट अगर चाहते हैं कि स्पेसिफिक रेजोल्यूशंस एजे में पास हो तो उन्हें स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा. रिक्विजिशनिस्ट के पास कितने शेयर्स होने चाहिए, वही है, वही बात, सिंपल सी बात है. मेंबर्स होल्डिंग अगर टोटल वोटिंग पावर है, मेंबर्स के पास अगर वोटिंग पावर है तो मेंबर्स होल्डिंग मिनिमम 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर और शेयर्स हैविंग मिनिमम पेड अप वैल्यू ऑफ 5 लाख रुपीज. ठीक है? तो कम से कम 1% आपके पास वोटिंग पावर होनी चाहिए, या फिर आपके पास अगर पैसे वाइज देखा जाए तो मिनिमम 5 लाख रुपए के शेयर्स होने चाहिए. इतना है तब जाकर करके आप कंपनी को स्पेशल नोटिस दे सकते हो. अच्छा, स्पेशल नोटिस यानी कि रिक्विजिशन कैसे देना है उसका मैनर रूल नंबर 23 के अंदर लिखा हुआ है. आप लोग प्लेन रीडिंग करेंगे, कुछ भी नहीं समझ आया का तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है? सेक्शन रूल नंबर 23 के अंदर लिखा हुआ है कि कैसे कैसे आपको रिक्विजिशन देना है. ठीक है? रिक्विजिशन देने का मैनर लिखा हुआ है. फिर आपने कंपनी को रिक्विजिशन दे दिया, कंपनी को 7 दिन के अंदर अंदर, आप कंपनी को 7 दिन के अंदर अंदर अपने एजीएम में जो मेंबर्स हैं, बाकी के जो मेंबर्स आएंगे उन्हें बताना होगा. फॉर एग्जाम्पल, आपने 20 दिन पहले कंपनी को नोटिस दे दिया तो एजीएम मान ली एक्स डेट पे है, तो एक्स डेट से बिफोर 7 डेज कंपनी को शेयर होल्डर्स को बताना होगा. आप कंपनी कैसे बताएगी, अगर 21 दिन पहले आपने दे दिया है तो कंपनी को के पास नोटिस देने का टाइम है. ठीक है? तो कंपनी नोटिस के साथ बता देगी. बट अगर नोटिस ऑलरेडी जा चुका है तो कंपनी कैसे बताएगी अपने शेयर होल्डर्स को, तो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बताएगी. ठीक है? वेयर 7 डेज नोटिस इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू गिव, अगर 7 दिन का नोटिस, ऑब्वियसली 7 दिन का नोटिस दे पाना प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि कंपनी की एजीएम का नोटिस 21 दिन पहले जाता है, तो आपको न्यूज़पेपर में नोटिस देना होगा, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में, एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में, कम से कम 7 दिन पहले नोटिस आपको देना होगा. वो कैसे भी दो आपकी मर्जी है. ठीक है? आप न्यूज़पेपर में भी दे सकते हो, नोटिस के साथ भी इंक्लूड करके दे सकते हो, बट आपको सारे शेयर होल्डर्स को नोटिस देना होगा अगर आपको वैलिड रिक्विजिशन रिक्विजिशनिस्ट से आ गई तो. अच्छा, ठीक है? अच्छा देखो, ये दिया हुआ है ना, ये डेट ऑफ मीटिंग है. फॉर एग्जाम्पल, डेट ऑफ मीटिंग कुछ भी है. ठीक है? यहां से कम
14 दिन के पहले और यहां से कम 3 महीने के पहले बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग आपको रिक्विजिशन दे देना होगा, ठीक है, एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग एंड मैक्सिमम 3 मंथ्स बिफोर द मीटिंग। अच्छा, अभी 14 डेज और 3 मंथ्स क्या है आप इसके बारे में चले जानते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था कि कम से कम 7 दिन पहले कंपनी को रिक्विजिशन दे देना होगा, ठीक है। अब मेंबर्स को कितने दिन में रिक्विजिशन देना होगा वो जानते हैं, ठीक है। तो मेंबर्स को देना होगा कम से कम 14 दिन पहले, ठीक है, मीटिंग के कम से कम 14 दिन पहले, मतलब मैं मेंबर हूं और ये कंपनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेंबर है ये कंपनी है, तो मेंबर्स को कम से कम 14 दिन पहले कंपनी को नोटिस दे देना होगा और कंपनी को कम से कम 7 दिन पहले बाकी शेयर होल्डर्स को नोटिस दे देना होगा। 7 दिन 14 दिन कहां से काउंट होगा, डेट ऑफ मीटिंग से ही काउंट होगा। अच्छा, 14 दिन पहले तो दे देना है, लेकिन 3 महीने से पहले आप नहीं जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने 6 महीने पहले नोटिस दे दिया, रिक्विजिशन ने कंपनी को 6 महीने पहले नोटिस दे दिया, नहीं चलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने पहले आप दे सकते हो और कम से कम 14 दिन पहले आपको दे देना है, आपको का मतलब है रिक्विजिशनिस्ट को, ठीक है। अब आपने कंपनी को दे दिया 14 दिन पहले, 3 महीने और 14 दिन के बीच में, अब कंपनी के पास 7 दिन का समय है, कम से कम 7 दिन पहले, 7 दिन का समय नहीं है सॉरी, 7 दिन पहले कंपनी को बाकी शेयर होल्डर्स को वो दे देना है, ठीक है। अब ये 7 दिन 14 दिन जो 3 मंथ 14 मंथ का लिखा हुआ है, डेट ऑफ प्रोवाइडिंग नोटिस एंड डेट ऑफ मीटिंग शैल बी एक्सक्लूडेड इन काउंटिंग ऑफ 14 डेज एंड 3 मंथ्स, ठीक है। जो 14 डेज और 3 मंथ्स की काउंटिंग है उसमें डेट जिस दिन आपने नोटिस दिया और जिस दिन मीटिंग का डेट है ये काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो 14 क्लियर डेज है, 3 मंथ्स क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये हमने नोटिस के टाइम भी पढ़ा था कि 21 क्लियर डेज बिफोर नोटिस जाता है एजीएम का, ठीक है। ऐसे ही 14 क्लियर डेज बिफोर जाएगा स्पेशल नोटिस और मैक्सिमम 3 मंथ्स क्लियर बिफोर जाएगा स्पेशल नोटिस, ठीक है। तो 14 दिन है रिक्विजिशनिस्ट के लिए, 7 दिन है कंपनी के लिए, 14 दिन 3 मंथ्स है रिक्विजिशनिस्ट के लिए एंड 7 डेज इज फॉर कंपनी, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये प्रोविजन बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अच्छा, मैं कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ आप लोगों को कि कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे रेजोल्यूशन के हैं जिनके लिए स्पेशल नोटिस देना जरूरी है। तो वो एग्जाम्पल्स लिखे हैं सेक्शन नंबर 140 के अंदर, सेक्शन नंबर 169 के अंदर एंड सेक्शन नंबर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर भी कंपनी कुछ ऐसे रेजोल्यूशन लिख सकती है जिसके लिए आपको स्पेशल नोटिस देना जरूरी है। सेक्शन नंबर 140 के अंदर लिखा हुआ है, रिटायरिंग ऑडिटर शैल नॉट बी अपॉइंटेड एंड अपॉइंटिंग अ पर्सन अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। अच्छा, इसका मैं आपको मतलब बताती हूँ, इसका मतलब ये इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट है, रिटायरिंग ऑडिटर शैल नॉट बी अपॉइंटेड। फॉर एग्जाम्पल कंपनी में एक ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस होने वाला है, हमने ऑर्डिनरी बिजनेसेस कितने पढ़े थे, ADAA, जिसमें से AA में A क्या था, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन प्लेस ऑफ दोस रिटायरिंग, ठीक है। अब कुछ शेयर होल्डर चाहते हैं कि जो ऑडिटर रिटायर हो रहा है, ऑडिटर का टर्म 5-5 साल का होता है, ठीक है, जो ऑडिटर रिटायर हो रहा है वो ऑडिटर को दोबारा अपॉइंट ना किया जाए। अगर कुछ शेयर होल्डर्स ऐसा चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। तो वही लिखा हुआ है, रिटायरिंग ऑडिटर शेल नॉट बी अपॉइंटेड और उसकी जगह उन्हें किस ऑडिटर को अपॉइंट करना है, अगर किसी नए ऑडिटर को अपॉइंट करना है तो उसके लिए भी स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। तो रिटायरिंग ऑडिटर शेल नॉट बी अपॉइंटेड और उस ऑडिटर की जगह वो किसको अपॉइंट करना चाहते हैं वो सेक्शन नंबर 140 के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, ऑडिटर की जगह अगर डायरेक्टर के साथ सेम केस है तो भी यही होगा, ठीक है। ADAA में हम लोगों ने लास्ट वाला ए क्या पढ़ा था, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दोस रिटायरिंग, यस। तो अगर डायरेक्टर के प्लेस पे अगर रिटायरिंग डायरेक्टर को आपको नहीं अपॉइंट करना है तो रिमूव करेंगे अगर उसको एक्सपायरी से पहले, तो अगर आपको उसके एक्सपायरी ऑफ टर्म से पहले रिमूव करना है तो आपको स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। अच्छा, उसकी जगह कौन सा डायरेक्टर, नया डायरेक्टर आप अपॉइंट करेंगे उसका आपको स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। तो रिमूविंग अ डायरेक्टर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म एंड अपॉइंटिंग अ पर्सन अदर देन रिमूव डायरेक्टर, कि वो मतलब डायरेक्टर को आप अभी अपॉइंट नहीं करेंगे, रिटायरिंग डायरेक्टर को आप अपॉइंट नहीं करेंगे और उसकी जगह आपको किसे अपॉइंट करना है। तो सेक्शन नंबर 169 के अंदर ये दो रेजोल्यूशन ऐसे हैं जिसके लिए स्पेशल नोटिस देना जरूरी है। अच्छा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी चाहे तो कोई और भी रेजोल्यूशन एड कर सकती है जिसके लिए शेयरहोल्डर्स को स्पेशल नोटिस देना जरूरी है। आई थिंक ये स्पेशल नोटिस वाला छोटे से सेक्शन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एक बार थ्योरी से फटाफट से आप लोग इसको रिकैप कर लीजिएगा, कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो फटाफट से इसका क्रक्स समझते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये रिक्विजिशनिस्ट है, ये कंपनी है और ये बाकी के शेयर होल्डर्स हैं और एजीएम होने वाली है, ठीक है। रिक्विजिशनिस्ट को 140 और 169 और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कोई भी रेजोल्यूशन पास कराना है तो रिक्विजिशनिस्ट को कंपनी को स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। रिक्विजिशनिस्ट के पास कितने शेयर्स होने चाहिए, मिनिमम होल्डिंग मिनिमम 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर्स और होल्डिंग मिनिमम शेयर्स ऑफ रुपीज मिनिमम 50 लाख, ठीक है। इतने रिक्विजिशनिस्ट अगर हैं तो कंपनी को कम से कम 14 दिन पहले वो नोटिस देंगे, 14 दिन पहले कम से कम दे देंगे और 3 महीने से पहले नहीं जाना चाहिए, ठीक है। 14 दिन पहले कंपनी को नोटिस दे देंगे। अब कंपनी को बाकी शेयर होल्डर्स को कितने दिन पहले नोटिस दे देना है, विद इन सेवन डेज, ठीक है, विद इन 7 डेज बिफोर, मतलब 7 दिन पहले कंपनी को नोटिस दे देना है। अगर नोटिस के साथ कंपनी दे चुकी है स्पेशल नोटिस तो ठीक है, नहीं
नहीं दे पाई है तो आप न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे करके आप स्पेशल नोटिस दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक क्लियर है। और हाँ, डेट ऑफ मीटिंग एंड डेट ऑफ प्रोवाइडिंग रिक्विजिशन शुड नॉट बी काउंटेड वाइल काउंटिंग ऑल थ्री डेट्स। आई थिंक ये क्रक्स आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, लॉजिक आप लोगों को समझ आया होगा ये सेक्शन क्यों लाए थे, क्योंकि जैसे हम लोग ने सर्कुलेशन वाले केस में पढ़ा था कि कुछ रेजोल्यूशन को पास करने के लिए छोटे शेयरहोल्डर्स का राइट होना बहुत जरूरी है, ऐसे यहाँ पर बड़े शेयरहोल्डर्स का राइट होना जरूरी है, बड़े शेयरहोल्डर्स का स्पेशल नोटिस देना जरूरी है, ठीक है। आई थिंक ये सेक्शन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तब तक के लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ते रहिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैप्पी स्टडीज।